की मौत हो गई और उसके बाद 20 किलोमीटर तक उस व्यक्ति के शव को ले जाना पड़ा शमशान घाट के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आरव सिंह से। आरव, क्या कुछ जानकारी, आखिर किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं? जी गीतू जी, मैं आपको बता देता हूँ कि सुकमा जो ये नक्सलवाद के नाम से भी काफी प्रभावित नाम से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बारिश के अंदर जो तेलंगाना की ओर से बैकवाटर का खतरा आता है गोदावरी का, उसको लेकर काफी प्रभावित है। यहाँ का कोंटा इलाका है जो पानी से भर जाता है और कहीं ना कहीं ये नक्सल प्रभावित इलाके में अभी ये स्थितियां और परिस्थितियां विपरीत हो रखी है कि बारिश की वजह से तबाही मचाई जा रही है और नदी नाले उफान पे चल रहे हैं। एक आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि एक जो यहाँ पे व्यक्ति का इलाज के लिए भद्राचल ले जाया जाता है और उसको जब उनके मृत्यु के पश्चात वो अपने घर को परिजन लेके जाते हैं तो ये स्थितियां बनी हुई है कि नदी नाले सारे उफान पे चले, 20 किलोमीटर तक परिजन उनको पैदल सफर करना पड़ता है, प्रशासन की ओर से भी उनको कहीं ना कहीं कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जी जी, अच्छा आरव, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरह से नदी नाले उफान पर है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है, कोई नाव की व्यवस्था या फिर कैसे लोग अगर इस पार से दूसरी तरफ जाना चाहें? मेन बात यहाँ पे हो जाती है कि वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीनों राज्यों को जोड़ता हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन, यहाँ पे कहीं तेलंगाना की प्रशासन और उड़ीसा की प्रशासन हो या फिर छत्तीसगढ़ की प्रशासन हो, इस एरिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे और मेन यहाँ पे नक्सलवाद का खतरा है और नक्सलवाद की वजह से अधिकारी कहीं ना कहीं पहुंच यहाँ पर अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि नदी या फिर उफा ये जो तेज बहाव आता है या फिर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे? मौसम विभाग की तरफ से हैवी रेन अलर्ट जारी किया गया है, 3 दिन के लिए पूरे बस्तर संभाग में कहीं ना कहीं बारिश जोरों पे रहेगी और यहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो दूसरे जो एरिया है जो संभाग मुख्यालय यहाँ पर SDRF है या फिर NDRF की टीमें तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुकमा जैसे इलाकों में आज भी हालात खराब है। जी ठीक है आरव, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हैं सुकमा की जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है और क्योंकि नक्सल से प्रभावित इलाका है इसलिए जरूरी मदद भी लोगों को यहां तक नहीं पहुंच पा रही है।